ठीक है गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे इन्फेक्शन हो गया है होठों के किनारे इस साइड। मुझे थोड़े छोटे छोटे दाने या फफोले टाइप आप बोल सकते हो, यहाँ नीचे भी और यहाँ पे ऊपर भी, ठीक है। और ये बहुत ही दर्दनाक है, सच बता बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ भी नहीं है और ये बिल्कुल ठीक है, बस यहाँ पे हो गया है। एक्चुअली बात ये क्या होता है, ये एक तरह का इन्फेक्शन है जो मकड़ी से फैलता है। जी हाँ, लोग कहते हैं ना कि मकड़ी आपके फेस पे चल दी है या फिर उसने कुछ गंदगी कर दी है, उसने यूरिन वगैरह कर दिया है। तो ये चीज़ मुझे हो गई है और ये मुझे पहली बार नहीं हुई है। मुझे ये आज तक, जब से मैं बड़ी हुई हूँ या छोटी से बड़ी हुई हूँ, तब से मुझे 3 से 4 बार हो चुका है। और मैं ये पक्का कह सकती हूँ कि मकड़ी है, क्योंकि जब मैं सुबह सो के उठी ना, तो मुझे ये कल सुबह की बात है, मुझे ये बहुत दर्द हो रहा था और तब इतना ज़्यादा फूला नहीं था, हल्का फूला था। तो मैंने ध्यान दिया कि मैं जहाँ पे सो रही थी, जस्ट मेरा बेड था और दीवार थी, तो बेड और दीवार और दरवाज़ा बिल्कुल करीब करीब है। तो वहाँ पे मैंने एक मकड़ी का जाल देखा और एक छोटी सी मकड़ी भी देखी, तो मुझे लगा कि हाँ, कि ये बात पक्की है कि मकड़ी से ही मुझे ये इन्फेक्शन हुआ है, कि जस्ट मेरे आधा मीटर की दूरी पे भी नहीं थी वो सुबह जब मैं उठी। तो फिलहाल उससे पहले भी मैंने एक दिन पहले करके मकड़ी के जाले भी साफ किए थे, तो पता नहीं क्यों मेरे चेहरे पे या फिर मकड़ी गिर गई है या फिर कोई गंदगी कर दी है या फिर अगर कोई और कारण होगा तो मुझे पता नहीं, पर ये इन्फेक्शन मुझे हो गया है। और मैं इसका बहुत ही सरल उपाय शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ, क्योंकि एक्चुअली बात इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं बाहर की कोई दवा, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम ना बहुत सारी दवाइयों का सेवन नहीं किया जाता है, सिर्फ जो ज़रूरी है जो डॉक्टर देता है आपको वही सेवन करना चाहिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है इस तरीके की, या जुकाम खांसी छोटी मोटी प्रॉब्लम जो होती है, उसका आपको सोल्यूशन आपको घर पे ही ढूंढना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन भी मैं घर पे ही करने वाली हूँ, इसका इलाज मैं घर पे ही करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इसका इलाज पहले से पता है और मुझे जब भी होता है तो मैं इसी को ट्राई करती हूँ और मुझे 2 से 3 दिन में आराम मिल जाता है। कल रात को मैंने इसे लगाया था और मुझे काफ़ी हद तक अब उतना नहीं है, बट हाँ, मुझे पता है कि 1-2 दिन और लगाऊंगी तो ये 100% ठीक हो जाएगा। तो और इसके लिए आपको 1 भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किचन में बड़ी आसानी से वो सामान मिल जाएगा और बहुत ही जानी मानी चीज़ है, हर किसी के किचन में ही उपलब्ध रहती है। तो चलो मैं आपको बता दूँ वो क्या चीज़ है। ओके, तो ये 1 मिनट, तो ये मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, पर बताने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को लाइक करिएगा, इस नुस्खे को ट्राई करिएगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है, किसी को प्रॉब्लम है, तो उसे ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद अपना अनुभव कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो अनुभव होता है, जो आपके कमेंट होता है, दूसरे लोग भी पढ़ते हैं और फिर उसे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आप अपना जो भी अनुभव है, अच्छा बुरा, वो जरूर कमेंट्स बॉक्स में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में लगी घंटी बजा दो। तो चलो काम की बात पे आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर है चुटकी भर खटाई, जी हाँ, पिसी हुई खटाई। आपने कभी ध्यान दिया होगा, कभी आपको सॉरी मधुमक्खी जो होती है, ठीक है, वो कभी काट ले तो कुछ खट्टा उस पर रगड़ते हैं तुरंत। तो जब भी कुछ इस तरह की चीजें काटती हैं हमको, तो हम लोग उस पर खट्टा इसलिए रगड़ते हैं क्योंकि खट्टे से जो इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाता है। तो जब भी आपको ये वाला रोग हो, मकड़ी वाला रोग हो, तो आप खटाई लगाइए, इससे आपको 100% आराम मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने चुटकी भर से थोड़ी ज़्यादा खटाई ले ली है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कि एक बार में थोड़ी खटाई लीजिए, या फिर आप इतनी खटाई भी ले रहे हो तो आप इसे रख दीजिए, दिन में 2-3 बार इसे लगाइए। एक बार नहीं लगाना कि दिन में एक बार लगा लो रामबाण हो जाए, 2-3 बार लगाना पड़ता है, ठीक। तो ये खटाई हो गई, इसमें हम डालेंगे केवल 1 से 2 बूंद पानी, ठीक है, और इसका एक घोल, थोड़ा गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे इस तरह हम, ठीक है, घोल तैयार कर लेंगे, ठीक है, थोड़ा गाढ़ा लगाइएगा ताकि थोड़ी देर तो टिके, ठीक है, और रात में लगा के सोएंगे तो और ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि घोल काफ़ी देर तक टिका रहता है और दिन में थोड़ा सा
बोलते हैं या कुछ खाते पीते हैं तो ये हटने का डर रहता है। तो यहाँ पे मुझे हुआ है, आप जब खटाई लगाओगे तो थोड़ी सी आपको लग सकती है, ठीक है। और अगर आपकी खटाई साफ नहीं है कि आपने मसालदान से निकाल रखी है, उसमें नमक और हल्दी मिला है, तो आपको बहुत तेज लगेगी। तो साफ खटाई का यूज करो, लेकिन अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो बिल्कुल हल्का सा लगेगा और ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक। बस इस तरह आपको लगा के रखना है और कुछ भी नहीं करना है। कोशिश करिए तब लगाइए जब आप कुछ खाइए पीजिए ना, मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट तो ये आराम से लगा रहे ताकि ये कुछ असर करे, नहीं कि आप लगाते ही खाना पीना शुरू कर देंगे तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 दिन में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा और आप इसे जरूर ट्राई करो, ठीक है। और हो सके तो घर के नुस्खे भी ट्राई कर लिया करो, क्योंकि बाहर की दवाइयों से थोड़ा बचना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आप डॉक्टर्स को भी दिखाकर दवा ले सकते हो, लेकिन ये नुस्खा कारगर है, मुझे 100% यकीन है, क्योंकि मैंने इससे भी पहले कई बार ये नुस्खा ट्राई किया है। आप इसे ट्राई करो, ट्राई करने के बाद अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।